कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आनंद उठा रहे होंगे। और हमारा सुबह सुबह का आज इस समय 11:11 बज रहे हैं और आज का हम बाल ब्लॉक यही शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। हमने कपड़ा, बारिश का मौसम है, देखिए धूप नहीं हुआ है, ये बारिश का मौसम है, देखिए कैसा कैसा बारिश से दिख रहा है, मौसम अजीब सा हुआ है। तो कपड़ा छत पर नहीं डाल पाए हैं तो यही सब कपड़ा, देखिए यही सब कपड़ा धुल कर और कपड़ा यही ले मशीन में से धुले, सभी हैंगर में यहाँ लगा दिए हैं यहाँ कपड़ा सूखने के लिए, फिर उठे हैं। तो आज का इसके बाद हम अपना, देखिए तुलसी जी कल आप लोगों को दिखाए थे, ये हमारा तुलसी जी का, देखिए ये पौधा हम लगा लिए हैं तुलसी जी का, देखिए कितना प्यारी सी सुंदर सी लगा दिए हैं, एक ये है। अभी ये करने के बाद फिर बाहर का ही आपको दिखा रहे हैं क्या क्या हम किए हैं। फिर हम घर के अंदर आते हैं, देखिए हमारा जो है अब सब्जी हम बना रहे हैं, आप लोगों से बताए थे हम डाइटिंग के लिए एक आध चम्मच, फिर आधा चम्मच, फिर हम लौकी, क्योंकि लौकी फायदा होता है खाने से, हर सब सब्जी से ज़्यादा लौकी खाया जा सकता है डाइटिंग में, स्वस्थ रहेगा आदमी लौकी खाने से। और अब हम ये देखिए ये हम सब काट लिए हैं, फैमिली बेटा जो है मेरा से ऐसे फल नहीं खाता, उसको छीलना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो बिना छीले वगैरह खा लेते हैं, संतरा भी नहीं खाता जो जो हम खाएगा। इसमें हम सब्जी भी अभी लगाएंगे और काला नमक भी डालेंगे और थाली लगा दिए हैं ये हम देने के लिए, खिलाने के लिए सबको, ये इस समय सुबह सुबह का का पेड़ लगाए हैं वो भी दिखा देते हैं। ये केला का पेड़ हम देखिए लगाए हैं, सुबह एक केला का पेड़ लगा दिए हैं क्योंकि आज शुक्रवार था, केला का पेड़ लगा देंगे तो इससे विष्णु भगवान का पूजा बहुत सुख हो गया, बहुत छोटा सा था तो हमने एक केला का पेड़ बालकनी में अपने लगा दिए हैं, अभी थोड़ा सा सेट किए हैं, थोड़ा सा पकड़ ले तो फिर कहीं पर रख देंगे, इसको अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे हैं। और हमारा जो है अभी छत पर भी चलते आप लोगों को पौधा उधा दिखाते, अभी चलेंगे तो दिखाएंगे। हमारा पनियाला का पेड़ है, देखिए पनियाला खूब फड़ता है, कहीं देखने को नहीं मिलता है ऐसा, देखिए ये हमारा आंवला का पेड़ जो है झड़ गया था पत्ता सब, आंवला फलने के बाद देखिए ये न्यू पत्ता आ रहा है, हमारी ये गाड़ी नीचे खड़ी है, देखिए गाड़ी हमारी नीचे खड़ी है। और हमारा ये देखिए आम भी मोर गया है पूरा, आम देखिए हमारा खूब मोरा है, देखिए कितना प्यारा मोर लगा है, आम आप लोगों को अपना दिखा रहे हैं कितना मोरा हुआ है, मोर जाएगा सतवान में इस फर जाएगा, आम लग जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, अभी तो मोर लगा है, देखते हैं। जो पौधा लाए थे कल, देखिए ये पौधा लाए थे कश्मीरी फैनली, इसको हम लगा दिए हैं गुलाब को, कश्मीरी गुलाब है, बड़ा अच्छा खिलेगा, छोटा छोटा होगा, बहुत सारा गमला भर जाएगा खिलकर और बहुत प्यारा लगेगा। इसको भी हम आज सुबह लगाए हैं, आज बहुत काम किए हैं सब, अपना पौधा बागवानी लगाए हैं सब, ये सब भी तैयार होता जाएगा, हम दिखाते जाएंगे आप लोगों। जैसे इसमें हम वो बनाने जा लौकी बनाए हैं तो देखिए लौकी का पानी नहीं जलाएंगे, क्योंकि पानी जला देंगे तो लौकी का खाने से कोई फायदा नहीं। एक चम्मच तेल में लौकी की सब्जी बनाए हैं जिससे पानी न उसका जले और उसमें खाने से कुछ फायदा रहे, इसलिए हम पानी नहीं उसका जलाए हैं और थोड़ा सा लटपटार ही रहने दिए हैं।
अभी हमारा काला नमक है, देखिए डब्बे में रखे हैं। अब आइए लौकी है, देख लीजिए आप लोग, लौकी भी बना ली है, देख लीजिए लौकी भी अब सबको लगा के देंगे। अब काला नमक हम चलते हैं डालते हैं। अब देखिए इस पर काला नमक, काला नमक डालने से टेस्ट भी बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। और आदमी नमक डाल के, काला नमक डाल दिए, फाइनली अब देखिए काला नमक लग गई है और ये सब दे रहे हैं खाने के लिए। देखिए ये दे रहे हैं एक साथ खाने के लिए, देख लीजिए। अब नमक उमक डाल दिए हम सब में, अब आप लोग देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं लौकी का सब्जी और ये सब। आज का हमारा ब्लॉक में यही था और नेक्स्ट ब्लॉक में हम फिर डालेंगे ब्लॉक। हमारा अभी ये दोपहर का ब्लॉक है, दोपहर तक का ब्लॉक है, समय का दोपहर का लंच का ब्लॉक है। ये 1 बज रहा है, 1 बजे का टाइम लमसम हो रही होगी, क्योंकि सुबह का तो हम ब्रेकफास्ट वाला नहीं दिखा पाए हैं। आप लोगों को थोड़ी जल्दी थी तो नहीं दिखा पाए हैं, तो आप लोगों को हम दोपहर का देखिए इस समय घड़ी में 1 बज रहा है, घड़ी में 1 बज रहा है। घड़ी में 1 बज रहा है, आप लोग देखिए। और ये तब तक के लिए हमारे ब्लॉग को खूब प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए ये दाल रख दिए हैं, दाल है, देखिए दाल की खुशी लग रही है। ये बहू आएगी स्कूल से तो दाल खाएगी, दाल बना रहे हैं। ये चावल धुल के रखे हैं, अभी भगोने में थोड़ा सा चावल धुल के रखे हैं, चावल चढ़ा देंगे। और ये सब्जी है ही है, सब्जी दाल चावल सब्जी। बहू दोपहर में, सुबह में पास्ता ले गई थी बहू टिफिन में, पास्ता ले गई थी सुबह ब्रेकफास्ट में स्कूल में। आज यही अपना बना दे रहे हैं, दाल हो जाएगा, बंद करते हैं, फिर अभी चावल चढ़ा देंगे तो आएगी तो बहू भी लंच कर लेगी। तो अब हम चलते हैं, ये चावल देखिए धुल के रखे हैं कुकर में, चढ़ा देते हैं चावल, धुला है 15 मिनट, चावल फुला दिए हैं। फुलाने से इसका टेस्ट चावल का अच्छा हो जाता है, चावल भी खिला खिला होता है। चावल फुलाने पर अच्छा हो जाता है। हमने थोड़ा आरओ का पानी डाल दिया है चावल में, बस हमारा ये चावल हम रख दे रहे हैं। देखिए गाइस इतना चावल में थोड़ी पानी करके हम चढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद ये देखिए हमारा ये दाल हो गया। देखिए कितना प्यारा दाल, इसमें हम थोड़ा देखिए क्या क्या डाले हैं इस दाल में, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है और टमाटर है। इसमें सब दाल में सब डाल दिए हैं, थोड़ा टेस्ट के लिए अच्छा हो जाएगा ये दाल ये सब्जी। और उसके लिए थोड़ा घी डाल के बाद में लौकी को चला दिए हैं हम लोग, तो अपना लौकी निकाल लिए थे, उसमें थोड़ा घी डाल के भून दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं, चावल हो जाएगा। बहू आएगी दाल चावल लौकी सब्जी अचार वगैरह लेके खा लेगी। ठीक, नंदी जी हैं, भोलेनाथ हैं, ये हमारी नंदी जी हैं, ये हमारे भोलेनाथ हैं। थाली में रख कर बाहर इनको 1 लोटा रोज़ जल चढ़ाते हैं हम लोग इनको। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस समय मेरा ये
ये 5 तरह का देखिए खिला हुआ है। इसमें कलर देखिए ऑरेंज, रेड और एक कलर ऑरेंज है और एक कलर रेड है और एक कलर येलो था इसमें। जो भी है आप लोगों के सामने देखिए, ये भी हम खिलाए हुए हैं। बहुत प्यारा प्यारा खिलता है, हमारे छत पर है। देखिए देखिए आप लोग, हमारा ब्लॉग आज का इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग देखिएगा हमारा ब्लॉग, हम क्या खाते हैं पीते हैं, अपना लगाए हैं, जो किए हैं वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। और हमारे ब्लॉग में आप लोग खूब बढ़िया प्यार करिए, जो कि प्यार दीजिए हमको और लाइक कीजिए। कोई समस्या हो, समझ में नहीं आती हो वीडियो, तो कमेंट कीज के बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।